फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको फॉरेक्स बेस्ड ट्रेडिंग बाइनरी प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं। जी फ्रेंड्स, मैं आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो बस आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस प्लेटफॉर्म का लिंक दे दिया हूँ। अगर आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो गाइस, उस प्लेटफॉर्म का नाम है कोटेक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, कोटेक्स के जरिए आप फॉरेक्स के बाइनरी ट्रेडिंग में आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब गाइस बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा कि बाइनरी ट्रेडिंग आखिर में होता क्या है। तो गाइस, बाइनरी ट्रेडिंग बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग ही होता है। इसमें आप लोग ना बस एक मिनट में ही अपना ट्रेडिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में पूरा लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कि आपको कैसे इसमें ट्रेडिंग करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको ना इसका अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसका अकाउंट बना लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाया है तो चलिए मैं आपको इसका अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर देखने को मिलेगा साइन अप पे। तो जैसे साइन अप पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ना आपको बस अपना ईमेल आईडी और स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डालना होगा, जो कि यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, आपको करेंसी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉलर में ट्रेडिंग करूँ, जो कि $1 आप मिनिमम ट्रेड कर सकते हैं, और चाहते हैं कि मैं INR में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मतलब कि मैं अपना इंडियन करेंसी से चूज करूँ, तो आप लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर में आप जिस भी कंट्री से होंगे, लाइक मैं यहाँ पे इंडिया से हूँ, तो इंडिया से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप लोग जिस भी कंट्री से, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना ईमेल आईडी पासवर्ड, जस्ट आपको नीचे ये दोनों बॉक्स दिख रहे हैं, इस पे कंफर्म पे क्लिक करके साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपको इसका ऐसा इंटरफेस पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि ये इसका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कोटेक्स का ये मेन डैशबोर्ड है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आने के बाद से ना आप लोग देख सकते हैं, ये कोटेक्स का यहाँ पे ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट है, जो कि आप लोग थ्री लाइन पे यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इसके बारे में पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पे टूर्नामेंट भी होते रहते हैं वीकली। ठीक है, और मार्केट पे क्लिक करके मार्केट का पूरा एनालिसिस भी जान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग डायरेक्ट सपोर्ट टीम से भी यहाँ पे क्लिक करके आप लोग बात सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो गाइस, आपको ना इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत सारे करेंसियों के पेयर्स देखने को मिलेंगे, जो कि है आप लोग यहाँ पे NZD CAD, मतलब कि न्यूजीलैंड CAD, कैनेडियन हो गया, यूरो CAD हो गया, आपको बहुत सारे यहाँ पे ना करेंसियों की पेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जिस भी करेंसी को पेयर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग चाहते हैं कि मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करूँ, तो आप लोग क्रिप्टो में भी यहाँ पे जैसे कि बिटकॉइन हो गया, ठीक है, उसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कमोडिटीज में भी ट्रेडिंग करूं, तो आप लोग कमोडिटीज में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं किसी कंपनी के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करूं, ठीक है, तो आप लोग उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे करेंसी में ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसका जो चार्ट है वो थोड़ा सा होते रहता है। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि आपको ट्रेडिंग करना कैसे। तो बस फुल्ली आपको अकाउंट सेटअप करने के बाद से आपको ना अपना रियल अमाउंट से इसे पैसे डिपॉजिट करना होगा। तो गाइस, पैसे डिपॉजिट करने से पहले मैं आपको बता दूं, गाइस आपको ना पहले इसमें डेमो में ट्रेडिंग करके सीख लेना है, ध्यान दे देना कि क्या सही है, मैं ये काम कर रहा है कि नहीं, मैं इसमें विन कर रहा हूँ नहीं। ठीक है, तो ये आपको पहले सीखना होगा कि कैसे ये सब वर्क करता है। ठीक है, तभी आप लोग इसमें पैसे डिपॉजिट लगाइए। ठीक है, तो मैं अभी आपको इसमें ना डेमो में आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे साइड में आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, यहाँ पे टाइम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप लोग कितना मतलब एक ट्रेड लेना चाहते हैं, और यहाँ पे अप हो गया, यहाँ पे डाउन हो गया, जो कि बेसिकली आपको मालूम होगा यहाँ पे अप कब लगाया जाता है, जब ये ग्रीन कैंडल अप की तरफ जाने वाला होता है तब अप लगाया जाता है, और एक डाउन ट्रेंड जब नीचे जाने लगता है तब ये रेड कैंडल को दबाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो बहुत लोगों को मालूम ही होगा। तो गाइस, इसमें ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले ना आपको इसमें टाइम पे यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको टाइमिंग चूज कर लेना है कि मैं एक मिनट का ट्रेड लू, चाहे 10 सेकंड का, चाहे 15 सेकंड का, चाहे 1 मिनट का, चाहे 2 मिनट का, चाहे 5 मिनट का, चाहे 1 घंटे का, चाहे 30 मिनट का। ठीक है, तो आप लोग ना बस अपने हिसाब से जो है वो ट्रेड यहाँ पे टाइमिंग फिक्स करके आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसको यहाँ पे क्लिक या मतलब घटा या बढ़ा सकते हैं, और बस आपको ना यहाँ पे ध्यान देना है कि मार्केट अप की तरफ जाने वाला है चाहे डाउन की तरफ जाने वाला है। तो यहाँ पे अभी आपको डेमो में यहाँ पे मैं डाउन की तरफ ट्रेड लेकर दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे ना एक मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन का बना रहा है यहाँ पे सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट आ रहा है तो यहाँ से आने के बाद से ऊपर तरफ गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बनाया है। ठीक है फ्रेंड, ठीक, तो मार्केट यहाँ से आने वाले कंटिन्यूसली डाउन में आया है, तो आई थिंक ये लगता है कि मार्केट अभी और थोड़ा सा यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से रिट्रेस करके मार्केट ऊपर तरफ जाएगा। तो मैं थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करता हूँ तो मुझे बेसिकली थोड़ा सा मालूम है। तो गाइस, ये भी आपको थोड़ा बहुत डाउन करना है, सीखना है, तभी आप लोगों को इसमें प्रिडिक्शन लगाना है। ठीक है फ्रेंड,
तो ये मैं अपने अनुमान के बेस पे लगाया, आपको पहले इसमें सीखना होगा, ठीक है। तो गाइस ये देखिए मैं अभी आपके सामने इसमें ट्रेड लिया हूँ, तो ये अभी आपको बताएगा कि मैं इसमें गेन किया हूँ या लॉस किया हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड देखिए अभी टाइम इसमें खत्म होने वाला है, 5, 4, 3, 2, 1। और गाइस देखिए ये मैं 10,000 का ट्रेड लगाया था, तो मुझे 18,400 रुपये का इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो अभी आप लोग इसमें देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे करीब 2 ट्रेड यहाँ पे लगाया था, जो कि मैं पूरा श्योर शॉट विन कर लिया, ठीक है। तो गाइस ये तो मैं बस आपको डेमो पर्पज से दिखाया, आपको ऐसे ही ट्रेडिंग करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको एनालिसिस अच्छे से करना है, ठीक है। कैंडलस्टिक क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, अगर आप लोगों को सब सीखना है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सब चीज अपलोड करके रख दिया हूँ, आप लोग जाके वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप वीडियो देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताएं, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड वंदे मातरम।